एसबीटी न्यूज पर पेश है श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ की टॉप 10 प्लस खबरें। श्रीगंगानगर नगर परिषद सभापति चुनाव में जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक पार्षद मत देंगे वही सभापति चुना जाएगा। दो उम्मीदवार आमने सामने रहते हैं तो स्पष्ट है कि कम से कम 33 मत चाहिए, लेकिन तीन या अधिक उम्मीदवारों की स्थिति में वोटों का बंटवारा होने पर जिसको अधिक मत मिलेंगे वही जीतेगा, यानी फिर से पार्षदों के मत बंट जाएंगे। तीन में से जिसने ज्यादा मत प्राप्त किए उसे सभापति चुन लिया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बार चुनाव में दो से भी ज्यादा सभापति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि ये उम्मीदवार कौन होते हैं और किस तरह से पार्षदों को अपने पक्ष में करते हैं। नगर परिषद में 24 पार्षद भाजपा के, 22 निर्दलीय और 19 पार्षद कांग्रेस के हैं। श्रीगंगानगर कोतवाली पुलिस प्रेमिका के हत्यारे युवक को आज दोपहर बाद अदालत में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेज देगी। ये युवक अपने दोस्त के बुलेट बाइक मांगकर प्रेमिका से मिलने आता था। पुलिस ने बताया कि आरोपी हरदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में हरदीप सिंह ने खुलासा किया कि सुपरवाइजर रमन कौर के साथ प्रेम संबंध थे। रमन उस पर शादी का दबाव बना रही थी, ऐसे में रमन कौर के शादी के दबाव से हरदीप सिंह परेशान हो गया। 16 सितंबर की रात हरदीप सिंह खालसा नगर में रमन कौर के घर आया और कोल्ड ड्रिंक में नशीली गोलियां मिलाकर रमन को पिला दी, फिर चुन्नी से फंदा लगाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। जयसर कस्बे के गांव 5GB में बुधवार दोपहर बाइक पेड़ से टकराने पर एक युवक की मौत हो गई जबकि दो युवक घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई थी, इसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि दो जने घायल हो गए। मृतक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है, घायल की हालत बयान देने लायक नहीं है। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बुधवार को श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि राजस्व मामलों का निपटारा शीघ्रता से किया जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। इसके अलावा जमाबंदियों और खातों के ऑनलाइन का कार्य भी शीघ्रता से पूरा हो, आम रास्तों का विवाद रहता है उसे हल किया जाए। डीबी गुप्ता ने राजस्व मामलों के संबंध में अधिकारियों को कार्य करने को कहा। नोहर कस्बे में सरस डेयरी के निकट एक वृद्ध का शव पेड़ से लटकता मिला। पुलिस ने शव को सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर में रखवाया है। हवलदार बलवान सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान 65 साल के मुरलीधर भार्गव के रूप में हुई है। उसके कपड़ों की जेब में एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार खुद को ही बताया है। मृतक के पुत्र प्रदीप ने पुलिस को बताया कि उसके पिता रेडियो घड़ी के मिस्त्री थे, कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे। श्रीगंगानगर सदर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव मोहनपुरा में स्थित एक घर में एक नशेड़ी युवक आया और एटीएम चोरी करके ले गया। इसी एटीएम के जरिए खाते से 60,000 रुपए की नकदी निकाल ली। पुलिस ने चोरी के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जांच अधिकारी हवलदार कृष्ण कुमार ने बताया कि गांव मोहनपुरा में जसविंदर कौर के घर से एटीएम चोरी हो गया था। पुलिस ने अज्ञात युवक पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की तो चोरी करने वाले की पहचान तरसेम सोनी उर्फ करण सोनी के रूप में हुई है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे अदालत में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पदमपुर श्रीगंगानगर मार्ग पर गांव 16BB के निकट बीती रात कार की टक्कर से बाइक सवार घायल हो गया, उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के अनुसार हादसे में 38 साल के गौरी शंकर बीती रात बाइक पर सवार होकर अपने गांव जा रहा था। रास्ते में कार चालक ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी जिससे वो घायल हो गया। हनुमानगढ़ नगर परिषद के 60 वार्डों में कांग्रेस के 36 उम्मीदवार विजयी हुए हैं, वहीं बीजेपी के 18 ही हैं। इसके बावजूद कांग्रेस में चल रही उठापटक और आपसी फूट का फायदा भाजपा उठा सकती है। कांग्रेस की ओर से पार्षद गणेश बंसल, कौर सिंह खोसा और तरुण विजय सभापति के दावेदार माने जा रहे हैं, हालांकि इनकी ओर से अभी तक फॉर्म नहीं लिए गए हैं। इसी बीच भाजपा को उम्मीद है कि वो अपना बोर्ड बनाएगी। उधर सूरतगढ़ नगर पालिका में कांग्रेस के परसराम भाटिया, ओम कालवा सभापति पद के दावेदार माने जा रहे हैं। यहाँ भाजपा की ओर से जगदीश मेघवाल को दावेदार बनाया जा सकता है। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने कहा कि निर्दलीय कांग्रेस और भाजपा के कई पार्षद मेरे संपर्क में हैं। शहर में एक ईमानदार सभापति बनाया जाए इसके लिए सभी का प्रयास है। उन्होंने कहा कि पार्टी से अलग बहुत सारे नवनिर्वाचित पार्षदों से मेरे व्यक्तिगत संबंध भी हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद व्यक्तिगत तौर पर मुझसे मिलकर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। पिछले सालों में नगर परिषद कुछ लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई, ऐसा फिर न हो, ऐसे पार्षदों एवं उनके समर्थकों ने आज मेरे आवास पर आकर संपर्क किया। इस बार श्रीगंगानगर निकाय चुनाव में 65 वार्डों में हर वर्ग से एक पार्षद निर्वाचित होकर नगर परिषद पहुंचा है। शायद ही कोई ऐसा व्यवसाय हो जिससे जुड़ा व्यक्ति पार्षद ना चुना गया हो। इस बार के चुनाव में पार्षद बनने वालों में टेम्पो चालक से लेकर ब्याज पर पैसा देने वाले तक लोग शामिल हैं। 150वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल की ओर से सीमावर्ती गांव रेणुका पुलिस थाना हिंदुमलकोट में एक सिविक एक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि बीएसएफ के डीआईजी संजय कुमार, आईपीएस एवं कमांडेंट परमवीर सिंह ने स्कूल की उन्नति के लिए प्रधानाचार्य वेद प्रकाश को बेंच, डेस्क, छत के पंखे, अलमीरा, ब्लैक बोर्ड सहित स्कूल के बच्चों की कॉपियां, स्कूल बैग, वॉलीबॉल, फुटबॉल, पेन इत्यादि सामान वितरित किया। साथ ही साथ गांव के कमजोर वर्ग के लोगों को सीमा सुरक्षा बल की तरफ से कंबल भी वितरित किए गए।
श्रीगंगानगर में फर्जी बिलों से भुगतान उठाने के आरोपी की ओर से लगाई जमानत याचिका अपर सेशन न्यायाधीश बलविंदर सिंह ने गत दिवस खारिज कर दी। प्रकरण के अनुसार मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने 31 जुलाई को विभाग में फर्जी बिलों से भुगतान की रिपोर्ट पुलिस थाना पुराने आबादी में दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच से प्रकरण के मुख्य आरोपी ओम प्रकाश शर्मा और अन्य को गिरफ्तार किया। प्रकरण के आरोपी कैलाश चंद ने न्यायालय में जमानत याचिका लगाई जिसे अपर सेशन न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। श्रीगंगानगर में पिस्तौल से फायर कर चोट पहुंचाने के मामले के आरोपी धीरज उर्फ धीरू की ओर से लगाई गई जमानत याचिका गत दिवस अपर सेशन न्यायाधीश बलविंदर सिंह ने खारिज कर दी। प्रकरण के अनुसार पुलकित अरोड़ा ने पर्चा बयान पर पुलिस थाना कोतवाली में 7 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच से प्रकरण के आरोपी धीरज को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।